मध्य प्रदेश में एक बार फिर सवर्ण सड़कों पर उतर आए हैं। इस बार मांग एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की नहीं बल्कि आरक्षण को लेकर है। आगर मालवा में परशुराम सेना और करनी सेना के सदस्यों ने मौजूदा कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 10% आरक्षण जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 10% स्वर्ण आरक्षण को मध्य प्रदेश में भी शीघ्र लागू करने महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय महोदय से निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में करीब स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया, किंतु मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं की, जिससे स्वर्ण समाज रोष में व्याप्त है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सरकार से मांग करती है कि संविधान में संशोधित कर लागू किए गए आरक्षण को मध्य प्रदेश में भी 5 फरवरी तक लागू करे। साथ ही आरक्षण लागू करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जितनी भी परीक्षाएं वो भर्तियां निकाली गई वह तत्काल प्रभाव से निरस्त कर नई आरक्षण व्यवस्था के साथ परीक्षा ली जाए व नई भर्तियों में भी नई आरक्षण व्यवस्था लागू करे। इसके अतिरिक्त भील्म, पद्मावत व स्वर्ण आंदोलन के समय जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए वह भी मध्य प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में 5 फरवरी से अभियान के साथ आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। स्वर्ण समाज की भावनाओं को समझते हुए उपरोक्त मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा संपूर्ण स्वर्ण समाज उग्र आंदोलन करे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी कमलनाथ सरकार गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण नहीं देती तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इन लोगों ने ये भी मांग की कि 2 अप्रैल 2018 को हुए हिंसा में जिन लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए गए थे, अगर राज्य सरकार उन मामलों को वापस लेती है तो फिर इसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट।